उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर प्रदेश की जनता की ओर से अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देश की राजनीतिक अस्थिरता को दूर करने के लिए 3 बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने भारत की राजनीतिक स्थिरता के साथ साथ आधुनिक भारत के निर्माण की नींव रखी। आज वे हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियां, उनकी कविताएं, भारतीय राजनीति के लिए उनके मूल और सिद्धांत सदैव हमें नई प्रेरणा प्रदान करते हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारतीय राजनीति के अजात शत्रु के रूप में एक सर्वमान्य चेहरे के रूप में जिनकी पहचान थी, ऐसे सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज 6वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर प्रदेश की जनता की ओर से, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से सरदेय अटल जी के स्मृतियों को नमन करते हुए हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम सब जानते हैं कि सरदेय अटल जी का जो पैतृक गांव है वह उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद के बटेसर में पड़ता है। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहकर के संपन्न की और कर्म भूमि के रूप में अपने पैतृक जन्मभूमि के प्रदेश को ही अपनी कर्म भूमि के रूप में चुना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उन्होंने प्रारंभिक दीक्षा लेने के बाद राष्ट्र धर्म और अन्य विचार परिवार से जुड़े हुए प्रकाशन के साथ जुड़ करके एक लेखक के रूप में, एक कवि के रूप में अपनी एक पहचान बनाई। स्वतंत्र भारत में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सानिध्य में सार्वजनिक जीवन का शुभारंभ करते हुए 1957 में उत्तर प्रदेश की बलरामपुर, जो आज श्रावस्ती लोकसभा सीट है, वहां से लोकसभा के सांसद चुने गए। लगातार 10 बार उत्तर प्रदेश के अंदर और देश की संसद में, लोकसभा में जाने का, 2 बार राज्यसभा में जाने का अवसर सरदेय अटल जी को प्राप्त हुआ। प्रदेश की राजधानी लखनऊ, लखनऊ संसदीय क्षेत्र से लगातार 5 बार अटल जी ने लोकसभा के लिए, देश की संसद के लिए प्रतिनिधित्व किया और यहीं से उनका प्रतिनिधित्व देश की राजनीतिक अस्थिरता को दूर करने के लिए 3 बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने भारत की राजनीतिक स्थिरता के साथ साथ आधुनिक भारत के निर्माण की नींव रखी। सुशासन का मॉडल कैसे होना चाहिए, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल कैसे होना चाहिए, ग्रामीण विकास में विकास का मॉडल क्या होना चाहिए,
गरीबों के लिए खाद्यान्न की योजना को आसान करने के लिए अंत्योदय की योजना को उन परिवारों तक पहुंचाने के लिए जो कार्यक्रम सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हुए वो सभी अटल जी की दूरदर्शिता का परिणाम है। सरदेव अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था और देश की राजनीति में सार्वजनिक जीवन के लगभग 6 दशक एक निष्कलंक जीवन जीते हुए भारतीय राजनीति को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हुए 16 अगस्त 2018 को उन्होंने इस भौतिक जगत से अपना अवसान किया। आज सरदेव अटल जी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी स्मृतियां, उनके कविताएं भारतीय राजनीति के लिए, उनके मूल्य और सिद्धांत सदैव एक नई प्रेरणा प्रदान करते हैं। भारतीय राजनीति के लिए और भारत को एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए उनके सत्प्रयासों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए ही कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें 2015 में भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया। आज के इस अवसर पर अपने एक ऐसे यशस्वी नेता, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, लखनऊ के विकास की धुरी सरदेव अटल जी को उनकी 6वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनकी स्मृतियों को नमन करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।